आइए देखते हैं डीवी टीवी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट। यहाँ मासूम बच्चे की यहाँ पर एक कंप्लेंट पे आए हम। एक 12 दिन का बच्चा है जिसको दो बार ये लोग सर्जरी कर दिए। सर्जरी करने के बाद बॉडी में स्वेलिंग आ गई, तो अभी ये लोग इनके पेरेंट्स को तो अब तक कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अब बात करने के बाद ये बोल रहे कि 1% चार्ज है। अगर तुम लोग यहाँ नहीं कराना चाह रहे, भरोसा नहीं है, बड़े बड़े दवाखाने तुम लेके जाके वहाँ पर करा लो। अगर इनका ने पैसे रहते तो ये लोग यहाँ पर क्यों आते थे, ये हॉस्पिटल को क्यों आते थे? गरीब यहाँ पर आ रहा तो इनके हाथ में दे देना। अपने ज़िंदगी अच्छा बुरा पूछेंगे करेंगे नहीं। KCR साहब से और यहाँ के सुपरिटेंडेंट से जो भी है उन सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं, आइए ये हॉस्पिटलों के गुंडागर्दी आप लोग देखिए। कई ऐसे आए दिन यहाँ पर आ रहे, 10 दिन के 12 दिन के बच्चे आ रहे, उनके पेरेंट्स को अलग धमका के बाहर बिठा दे रहे। बच्चों के साथ क्या हो रहा क्या ये लोग देख नहीं सकते, पूछ नहीं सकते? अगर पूछे तो इन लोगों को तुम लोग बाहर चले जाओ, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाके इलाज करा लो। कई गाँव से आए हुए यहाँ पर, कई कितनी बुरी हालत से पड़े हुए लोग, जानवर हम जहाँ पर चलते फिरते वहाँ पर लोग बैठ रहे, खाना खा रहे, उतनी बुरी हालत में ये लोग क्यों है? इनकी मजबूरी है। और जितने भी हम पर पेरेंट्स हैं उन लोगों को हम ये बोल रहे कि हमसे ये हॉस्पिटल चल रहे, जितने भी आवाम पब्लिक गरीब है ये लोगों से हॉस्पिटल चल रहे, उनसे अपन ने अपने से ये लोग चल रहे। इनकी सैलरी गवर्नमेंट दे रही, ये लोग तनख्वाह किस लिए उठा रहे? अच्छा बुरा देखने के लिए, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बोल तो वेस्ट है। और आप जितने भी यहाँ पर मुसीबत उठा रहे हो लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आइए आप लोग भी आगे बढ़िए। जब तक आप लोग आगे आके बोलेंगे नहीं, आपकी परेशानी बाहर नहीं आएंगी। और कोई अच्छा बुरा कुछ भी नहीं मालूम होता, आए दिन ऐसा यहाँ से डेड बॉडियां निकलते रहते। अल्लाह हाफिज। कवरेज बुला लीजिए। आज हम बनाएंगे हैदराबादी दम बिरयानी। इसे मैं पक्की अखनी से बना रही हूँ। ये बिरयानी को बनाने हम पहले 1 kg मटन को साफ करेंगे और उसे धो लेंगे। 2 मीडियम प्याज को स्लाइस करेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इसे हम एयर ड्राई करेंगे ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। ये तेल का इस्तेमाल हम गोश्त पकाने में भी कर सकते हैं। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से हरा मसाला बना लेंगे। अब मटन में गरम मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च डालकर मिला लेंगे। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरा मसाला पेस्ट और दही डालकर इसे मिला लेंगे। इसे कम से कम 1 घंटे तक हम मैरिनेट होने देंगे और इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ। 1 कुकर में तेल डालकर मैरिनेटेड मटन इसमें डाल लेंगे और 10 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। अब ढक्कन लगाकर इसे 4 सीटी होने तक पका लेंगे। आप गोश्त पकने के बाद 1 पतीले में 3 लीटर पानी लेंगे और इसमें 6 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक लेकर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे उबाल लेंगे। 1 kg बासमती चावल को धोकर इन्हें उबलते पानी में डाल लेंगे। यहाँ मैं इंडिया गेट बासमती का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और ब्रांड भी यूज कर सकते हैं। चावल को पूरा नहीं पकाना है, ये हाफ डन होने पर पानी ड्रेन कर लीजिए। ये चावल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और नीचे के हिस्से के ऊपर मटन की अखनी डाल दें।
इस पर फ्राइड प्याज, बारीक कटा हुआ कोथमीर पुदीना डालें और बाकी के चावल इवनली स्प्रेड कर दे। चावल के ऊपर 4 टीस्पून प्योर घी, कलर नींबू डालें और लिक लगाकर किचन टवल से पतीले को ढक दे। इस बिरयानी को 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर दम होने दे। इसे दही की चटनी और बैगन के सालन के साथ सर्व किया जा सकता है। आई होप आपको ये बिरयानी पसंद आएगी। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।